इस क्वेश्चन में कह रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स जो सिंपल इंटरेस्ट पर जो सम है वो फोर्टी नाइन अपॉन फोर्टी ऑफ इट सेल्फ फोर्टी नाइन अपॉइंट फोर्टी हो जाएगा अपने आप का इन टू होल वन अपॉइंट टू ईयर्स में द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा देखिए ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें साफ साफ पता चल रहा है अमाउंट बता रहा है कि जो सम हम जमा करेंगे वो फोर्टी नाइन अपॉइंट फोर्टी ऑफ सम हो जाएगा टू होल वन अपॉइंट टू ईयर्स बाद तो हमें क्या क्या दे रखा है तो दैट मीन्स हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो अगर हम प्रिंसिपल को लेट कर लें तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा तो लेट कर लीजिए लेट द प्रिंसिपल बी या सम बी एक्स है तो अमाउंट कितना हो जाएगा अगर सम एक्स है फोर्टी नाइन अपॉन फोर्टी ऑफ इट्स मतलब ऑफ सम दैट मीन्स फोर्टी नाइन अपॉन फोर्टी एक्स हो गया राइट right? अब हमें टाइम दे रखा है दैट इज टू होल वन अपॉन टू ईयर्स ये क्योंकि मेक्स फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो ये आ गया फाइव अपॉन टू ईयर्स और रेट हमें गिवन नहीं है तो हम रेट को आर परसेंट पर आनम मान लेते हैं राइट अब हमें अमाउंट ए की वैल्यू दे रखी है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा देंगे जो कितना होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट दे रखा है फोर्टी नाइन अपॉन फोर्टी एक्स इक्वल्स टू तो प्रिंसिपल हमने एक्स माना था प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मला फिर से वही पी इन आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड राइट अब ये वाला एक्स या तो यहीं रखिए वैल्यूज पुट करने के बाद इसको इधर भेज दीजिए और एक स्टेप बचाना है क्योंकि हमें चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है तो मैं इस स्टेप में इसको इधर ले जा रही हूँ और p और आर इंटू टी की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये आ गया 49 नाइन अपॉन फोर्टी एक्स एज इट इज माइनस एक्स इक्वल्स टू पी था रेट को हमने आर परसेंट माना था और टाइम था हमारा फाइव अपॉन टू या आ गया अब एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख दिया तो फोर्टी वन 40 फोर्टी अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुई है तो वन की मल्टीप्लीकेशन फोर्टी नाइन एक्स में और माइनस फोर्टी की मल्टीप्लीकेशन एक्स में इक्वल्स टू अब देखिए यहाँ पे फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड जीरो तो क्या बच गया ऊपर एक्स आर बज गया और नीचे टू इंटू ट्वेंटी इज फोर्टी बज गया तो ये कितना आ गया फोर्टी नाइन एक्स इंटू वन एज फोर्टी नाइन एक्स माइनस फोर्टी इंटू एक्स एज फोर्टी एक्स अपॉन फोर्टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन फोर्टी आर अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी होल अपॉन फोर्टी है और यहाँ पे भी होल अपॉन फोर्टी है तो हम क्या करते थे डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देते थे, थे। तो ये कितना आ गया हमारा 49 में से फोर्टी गैस नाइन एक्स इक्वल्स टू एक्स आर तो आर कितना आ जाएगा नाइन एक्स अपनी जगह रहा और एक्स डिवाइड में आ गया तो एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे तो रेट पता चल गया हमारा कितना है नाइन परसेंट पर आनम तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया सी पार्ट इज आ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम अमाउंट टू रूपीज 3626 इन एक सम जो कितना अमाउंट हो जाएगा 3626 हो जाएगा 219 डेज में 6 परसेंट पर आनाम सिंपल इंटरेस्ट पे तो हमें सम बताना है कि वो सम कितना होगा जो इतना बन जाएगा राइट तो हमें क्या पता है अमाउंट पता है दैट इज़ रुपीज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स हमें टाइम पता है दैट इज 219 डेज और हमें रेट पता है दैट इज सिक्स परसेंट पर एन राइट और हमें सम नहीं पता है तो प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया एक्स मान लिया राइट right? अब क्योंकि अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा लीजिए जो कितना होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो फिर से लिख रही हूँ अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं राइट अब अमाउंट हमें दे रखा है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल हमने एक्स माना था रेट हमारा था सिक्स परसेंट और टाइम हमारा था टू हंड्रेड डेज तो डेज़ को ईयर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे एक ईयर में 365 डेज होते हैं तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते थे राइट ये आ गया तो हम यही लिख देंगे टू अपॉन थ्री राइट अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए थ्री सिक्स टू सिक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवेंटी थ्री से जा रहे हैं देखिए कैसे सेवनटी थ्री जा करें टू वन नाइन आ रहा है और सेवेंटी थ्री फाइव जा करें फाइव थ्री जिफ्टीन थर्टी फाइव थर्टी सिक्स फाइव ये आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे सेवेंटी थ्री थ्री एंड सेवेंटी थ्री फाइव जा राइट अब कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सिक्स जा एटीन एक्स अपॉन फाइव हंड्रेड राइट अब ये आ गया थ्री सिक्स टू सिक्स इक्वल्स टू अब x के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख देंगे एलसीएम लिया डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो 500 हंड्रेड ही आ गया अब 500 की मल्टीप्लाई x में प्लस वन की मल्टीप्लाई एटीन एक्स में तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3626 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड एंड टू एक्स फाइव हंड्रेड एक्स प्लस एटीन एटीन एक्स अपॉन फाइव हंड्रेड तो ये आ गया थ्री थाउजेंड इक्वल्स टू फाइव एक्स अपॉन फाइव तो एक्स आ गया हमारा 3626 एज इट इज़ 500 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 518 डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे देखिए तो टू से कैंसिल करके देखते हैं टू टूज ऑफ फोर टू फाइव ज़ा टेन एंड टू नाइन ज़र एटीन टू वन ज़ा टू टू एट ज़ा सिक्सटीन टू वन ज टू टू थ्री ज़ा सिक्स अब टू फिफ्टी नाइन को अगर मैं सेवन से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव प्लस सिक्स फोर्टी वन सेवन टू जो फोर्टीन एंड एटीन देखिए सेम आ रहा है तो दैट मीन्स और तो so, x कितना आ गया हमारा into 35 और दो जीरो so, that means sum हमें पता चल गया है कि कितना था थर्टी फाइव हंड्रेड तो हैं सी पार्ट इज अर करेक्ट आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन व्हाट टाइम विल कितने टाइम में सिक्स थाउजेंड रुपीज सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी हो जाएंगे एट एट परसेंट पर आनम सिंपल इंटरेस्ट पर यह बताना है तो हमें टाइम नहीं दिया हुआ तो टाइम को हम टी मान लेते हैं टी इयर्स अब जो अमाउंट पहले वाला है वो क्या है प्रिंसिपल है क्योंकि इतना अमाउंट इतना हो जाएगा राइट तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है सिक्स थाउजेंड रुपीज और हमारे को अमाउंट दे रखा है दैट इज रुपी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी और रेट कितना दे रखा है एट परसेंट पर एनम राइट तो क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा लेंगे जो कितना होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी प्रिंसिपल है हमारा सिक्स थाउजेंड तो हम इससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी अपनी जगह रहा और सिक्स थाउजेंड इधर आके माइनस का हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा थ्री सिंपल इंटरेस्ट है थ्री सिक्सटी का प्रिंसिपल है हमारा सिक्स थाउजेंड रेट है हमारा एट परसेंट और टाइम हमें दिया हुआ नहीं है तो टी लिख लेंगे अब देखिए टी अपनी जगह रहा आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते थे हंड्रेड इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और सिक्स थाउजेंड डिवाइड में आ गया और एट भी डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए दो जीरो से दो ज़ीरो कैंसिल हुई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुई सिक्स वन जो सिक्स 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 जो थर्टी सिक्स टू थ्री ज़ा सिक्स टू फोर जो एट तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा टाइम आ गया हमारा थ्री अपॉन फोर ईयर्स राइट अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे इसको मंथ्स में चेंज कर देंगे अब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्योंकि एक ईयर में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं इसलिए ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना मंथ्स अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फोर वन ज फोर फोर थ्री ट्वेल्व तो हमारा टाइम कितना आ गया थ्री थ्रीज आर नाइन मंथस तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ